السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنحيينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين. أورجب إبراهيم الإسلام كي کے حماري ہمارے बशारत लेकर के आए तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बस्ती के लोगों को हिलाक कर देंगे इसके बाशिंदे जालिम हैं तो इब्राहीम ने कहा कि इसमें लूत रहते हैं तो फरिश्तों ने कहा कि हम इस सिलसिले में ज़्यादा जानते हैं हम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को उनकी बीवी को छोड़ के बचा लेंगे क्योंकि बीवी अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी सूर्य अलन कबूत की इकतीस और बत्तीस दो आयतें हैं लूत लूतम ने अपनी कौम को समझाया अजाब से डराया कौम उल्टा उन्हीं को चैलेंज करने लगी लूत साम ने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया फिर अल्लाह ने इब्राहिम आलाम के पास बशारत देकर के फरिश्तों को भेजा बशारत किस चीज़ की थी इसहाक्लाम की पैदाइश की बशारत और फिर पहले याकूब आलाम सलाम, ये इब्राहिम की ज़ुर्रियत थी तो अल्लाह ने औलाद फिर औलाद की औलाद की बशारत दी ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि बेटे के साथ पोते की भी बशारत हो बेटे के साथ पोते की भी खुशखबरी मिल जाए और उसके बाद फिर उन फरिश्तों ने खुशखबरी देने के बाद कहा कि रब ने ये पैगाम दिया है अब हम इस बस्ती को हिला करेंगे तो अब हिलाक जब करेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यह भी कहा क्यों हिला करेंगे इसलिए कि इसमें रहने वाले है जुल्म करते हैं बस्ती जो है गांव करिया जो है छोटे से गांव को भी कहते थे और बड़े से बड़े इलाके को भी यानी बड़े शहरों को भी बस्ती करिया और गांव कहा जाता था जैसे मक्का है मक्के को उम्मुल कुरा कहा जाता है बस्तियों की माँ जबकि मक्का एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी आज भी मिलियन से ऊपर है दस पंद्रह लाख की आबादी है मक्के की बाहर के हाजी इस वक्त तो करोना की वजह से भीड़ भाड़ कम है वरना आठ दस लाख बाहर के लोगों की आबादी अहले मक्की की आबादी दस पंद्रह लाख अठारह लाख ये कम से कम मक्के की आबादी हमेशा रहती है फिर भी उसको अल्लाह ने करिया और बस्ती कहा और बस्तियों की माँ लूत इस्लाम जिस बस्ती में थे उसको कहा कि इसके बाशिंदे बाशिंदेलिम हैं और हम इनको हिलाक करेंगे और जुल्म क्या है सबसे बड़ा जुल्म एक तो जुल्म शिर्क है और इखलाकी जो उनका जो जुल्म था वो मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करते और उसके बाद जब रसूलों ने दावत दी तो उसको चैलेंज करके और अजाब का भी मजाक उड़ाते थे ये सबसे बड़ा जुल्म था तो फरिश्तों ने इब्राहिम स्ल्लाम को जहाँ औलाद की और औलाद की औलाद की खुशखबरी दी वहीं उस बस्ती की तबाही के बारे में भी बताया इस आयत में जो चंद चीजें हमें मिलती है या जो मसाइल साबित होते हैं पहली चीज अल्लाह वालों की दुआएं जल्दी कबूल होती है लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे अल्लाह वाले थे अल्लाह से दुआ की मदद की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल किया दूसरा मसला जो शायद से साबित होता है रसूल का जो लफ्ज है फरिश्तों और इंसानों दोनों के लिए इस्तेमाल किया है अल्लाह तला ने तीसरा जो मसला साबित हुआ कि इंसान औलाद से खासतौर से बेटे की पैदाइश से खुशी महसूस करता है इब्राहिम को उन्होंने बशारत दिया औलाद की फिर औलाद की औलाद की तो उस खुशी का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि ये खुशखबरी थी और खुशखबरी लेकर के वो लोग आए थे ये मसाइल इन आयतों से साबित हुए चौथा जो मसला साबित हुआ कि इब्राहिम लूत इस्लाम के चचा भी थे और मकाम और मरतबा में बड़े भी थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को इब्राहिम स्लम के पास पहले भेजा और अजाब के बारे में यानी खुशखबरी दे करके अजाब का जिक्र किया इब्राहिम के अंदर जो मोहब्बत थी दीन की ईमान की कहा कि इस बस्ती को तुम हिला करोगे इसमें तो लूत अस्लाम रहते हैं एक साले और नेक आदमी रहते हैं उनका क्या होगा जब बस्ती हिला होगी तो भी हिला होंगे तो फरिश्तों ने तसल्ली दिया यही है रसूल का मतलब यानी अल्लाह रसूलों के जरिए फरिश्तों के जरिए पैगाम को पहुंचाता है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह के यहाँ पहुंचने के लिए वास्ते की जरूरत है ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि बाद दफे फरिश्तों के जरिए अपना पैगाम पहुंचाता है बाद रसूल के दिल में डाल देता है तो यहाँ पर पैगाम को पहुँचाया रसूलों के वास्ते से इब्राहिम ने कहा कि इसमें लूतम रहते हैं तो इब्राहिम से का इतमेन रखो उनकी हिफाजत की जाएगी इन नफीहा लूता इसमें लूत हैं वो बच जाएंगे अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा कि इसलिए कि वो नेक और साले थे तो अजाब के वक्त मुसीबत के वक्त जब बंदा नेक और साले होता है तो अल्लाह की ख़ुसूसी मदद आती है इस आज से एक बड़ी अहम चीज जो हमें मिलती है कि नेक लोगों से जुड़ा रहने वाला या नेक लोगों की मजलिस में रहने वाला बाज़ दफा तो नेक होता है बास दफा उसका असर जब नहीं लेता तो फिर वो बुरा का बुरा ही रह जाता है जैसे इब्राहिम नेक और सारे लोगों में से थे लूत लूतम सालहन में से थे कौम जो थी इन अम्बिया के बीच में रहने के बावजूद नेकी का असर नहीं कबूल कर सकी तो सारहहीन के बीच रहने वाले भी कुछ बदब्त होते हैं जिन पर उसका असर नहीं आता इसीलिए आप देखें अच्छे लोगों के साथ रहने वाले भी बुराई और जरायम करते रहते हैं और सबसे अहम जो पैगाम दिया गया इस आयत में कि अब लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं उनकी बीवी नबी की बीवी है देख लोगों की इससे बड़ी सोहबत क्या होगी मगर जब सोहबत का असर नहीं होता तो चाहे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो चाहे नू अलैहिस्सलाम का बेटा हो सोहबत का असर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है की हिलातो तबाही है तो बाज दफ़ा जब इंसान की बदनसीबी हद से ज्यादा पहुंच जाती है तो नेक लोगों के बीच में रह करके भी असर नहीं कबूल करता और बाज दफ़ा खुशनसीबी है कि उस मैलिस से असर कबूल करता है तो इसीलिए हमेशा अल्लाह से जब ताल्लुक जुड़ा रहेगा नेक लोगों से मोहब्बत करना उनकी मैलिसों में बैठना उनकी बातों को सुनना कबूल करना यही तो खुश नसीबी कामयाबी है मगर ऐसे भी बदनसीब होते हैं आप कि मसाजिद में भी चोरी के वाकयात होते हैं काबा में भी चोरी के वाकयात होते हैं मीना और अरफात में भी पाकिट मारी के वाकयात होते हैं तो नेक लोगों की और अच्छी जगह इससे बढ़िया जगह क्या होगी मगर यहाँ भी असर जब आदमी नहीं कबूल करता शैतान उस पर गालिब होता है तो ये सब तबाही आती है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए और उस सोहबत का असर हमारी जिंदगी पे फरमाए हम पर और हमारी आलू औलाद पर नेक और सालेहीन की मजलिसों का असर जो है फरमाए और उन मजलिसों का रंग हमारे दिलों पे हमारे आल औलाद पर चढ़ा दे आमीन व अला नबी व वलहब अजमईन नाज़रीन ने किराम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिए अब इसके बाद इंशाल्लाह सूरह की तैतीस नंबर आए जिसमें अब अजाब कैसे आया क्या हुआ उसकी तफसी बयान की जाएगी उसको लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाजत दीजिए जजाक वरम वक्त समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें